हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड वाला एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम डायनेमिक अप्रोच यूज़ करके ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, सो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली ये ग्राफ प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक ग्राफ होगी। ठीक है, और ग्राफ कैसा होगा, हमारा डायरेक्टेड होगा और वेट्स उसमें असाइंड होंगी। इस वाले जो हम जो अभी एल्गोरिदम देखेंगे वो है फ्लॉइड वॉर्शल जो रहता है। ये एल्गोरिदम में हमारा जो वेट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ में नोड्स के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो क्या है, आपका डायनामिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं अगर किसी भी नोड के बीच में पाथ नहीं है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट लूप यानी अगर आप ए टू ए का डिस्टेंस निकालोगे तो ऐसे वाले डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, आपका ज़ीरो से। ठीक है, नेक्स्ट हम एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं और ये मैट्रिक्स हमको जब मुझे फाइनल मैट्रिक्स जब मिलेगा तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स होगा फॉर ऑल दी पॉसिबल वर्टेक्स जो मेरे ग्राफ में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ इनिशियल मैट्रिक्स जो है आप क्या करोगे, हर स्टेप में क्या होता है, अपडेट होते जाता है। ठीक है, कैसे अपडेट होता है, जैसे देखो ए से बी अगर डिस्टेंस है आपका 5, ठीक है, लेकिन अगर आप ए से सी और सी से बी जाओगे, ठीक है, सपोज़ ए से सी आपका डिस्टेंस 1 है और सी से बी भी डिस्टेंस आपका कितना है, 1, सो इन दैट केस आपका डिस्टेंस ए से बी कितना हो जाएगा, 2, तो डायरेक्ट डिस्टेंस 5 है लेकिन वाया सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2, तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये वाले एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ए से बी डायरेक्ट डिस्टेंस जो एज है उसका कॉस्ट कितना है 5 और ए से सी 1 है और सी से बी 1 है, तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट क्या है, ए से बी आपका क्या है, 2, तो इसीलिए ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी नोड का बाकी सारे नोटों से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अब वो हो सकता है डायरेक्ट डिस्टेंस हो या इन बिटवीन कुछ और भी नोड्स होंगे जिसकी मदद से उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ऑब्टेन करेंगे। ओके, सो इनिशियल मैट्रिक्स इज अपडेटेड एट ईच स्टेज यूजिंग सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस, हेंस द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी कैन बी अप्लाइड। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हम अप्लाई कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि हम हर स्टेप में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और ये जो मेरा मेथड है ये जो है स्टेजेस में काम करता है। ठीक है ना, स्टेजेस जो होते हैं वो डिटरमाइंड हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नोड। जैसे इस ग्राफ में मेरे पास नोड कितने हैं, 3, तो इसमें इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टेजेस कितने हो जाएंगे, 3। सिमिलरली अगर ग्राफ में मेरे 10 नोड्स हैं तो नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हो जाएंगे, 10। तो जो स्टेजेस हैं वो बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दी ग्राफ। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा एम है कि हम ए से डिस्टेंस निकालते हैं बी का और एक ए से डिस्टेंस निकालते हैं सी का, सिमिलरली बी से ए, बी से सी, सी से ए और सी से बी। अब सी से बी अगर कोई एज है तो ठीक है, अगर सी से बी कोई एज नहीं है तो सी से ए होके कोई एज बी के अगर ऐसी है मेरे पास अवेलेबल पाथ तो मैं उसको कंसिडर करूँगी। कहने का मतलब है किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड तक जाने के लिए जो भी पॉसिबल एजेस हैं वो उन एजेस में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉस्ट वाली एज है या एजेस है, जैसे कि इसमें 2 एजेस है बी तक जाने के लिए जो स्मॉलेस्ट है, तो इसको कंसिडर करके मुझे एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें एक एज से बाकी सारे, एक नोड से बाकी सारे नोड के हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऑब्टेन करेंगे। ओके, एंड तो अब नेक्स्ट, अब हम इसका एक एग्जांपल, पहले इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे, सो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम है जिसमें इनिशियली हम क्या करते हैं, जितने भी रोज हैं, ठीक है, जैसे मेरे ग्राफ में अभी मैं दिखाऊँगी ग्राफ बना के, तो यहाँ पर जैसे कि एक बड़ा देखो। ठीक है, सो ये मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मेरे 3 नोड्स है, ए बी और सी, तो ए बी सी करके मैंने यहाँ पे कॉलम्स असाइन किए, ए बी सी रोज़ असाइन किए, तो इस ग्राफ में मेरे रोज़ कितने हैं, मेरे पास रोज़ कितने हैं, 3, तो मेरे पास 3 रोज़ है, तो इसी को लेते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, तो रोज़ कितने थे, 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये जो मेरा एल्गोरिदम है ये 3 स्टेज में काम करेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो बेसिकली क्योंकि मेरे पास 3 ही क्या थे, वर्टेक्स। ओके, अगर मेरे पास वर्टेक्स 10 होंगे तो रोज भी कितने हो जाएंगे, 10, एंड इन दैट केस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो एल्गोरिदम कितने स्टेजेस में काम करेगा,
10 स्टेजेस में, और सिंस ये स्टेजेस में काम करता है और हर स्टेज में मुझे डिसीजन लेनी पड़ती है, इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे डायनामिक अप्रोच से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियली ये जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा बनेगा ग्राफ की मदद से, इसको मैं डिनोट करती हूँ D0। ठीक है, और ये जो D0 में सारे वेट्स रहेंगे, जो भी एजेस हैं ए से बी, जैसे एज 1 है तो उसका वेट अगर 1 है तो यहाँ पे वो मुझे D0 में सारे को अपलोड करना है। ठीक है, तो मैंने D0 एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें ग्राफ के जो इनिशियल सारे वेट्स हैं उसको लेके मैंने उसको बनाया। ओके, नेक्स्ट, अब एक लूप चलाऊंगी, ये जो लूप है जिसमें ये जो के है, ये के मेरा स्टेज डिनोट करता है। ठीक है, के दो चीज़ बताता है, एक तो स्टेज बताता है और दूसरा वाया बताता है। वाया मीन्स, जैसे देखो हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली ए से हम सी जा रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इनिशियली, जैसे हम फर्स्ट वाले केस में स्टेज अगर हम लेते हैं, तो हम जैसे स्टेज 1 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टेज जो है 1, 2 और 3। अब अगर सपोज़ मेरे ग्राफ में यहाँ पे 3 नोड है, ठीक है, जैसे ए बी और सी, या इसको और आसान कर लेते, इसको मैं डायरेक्ट 1, 2 लिखती हूँ, 1, 2 और 3। ठीक है, सपोज़ एक 4 भी ले लेते हैं, तो मेरे ग्राफ में टोटल वर्टेक्स कितने हैं, 4 वर्टेक्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे 4 तक रख लेती हूँ, सपोज़ मेरे ग्राफ में 4 वर्टेक्स है। ठीक है, तो जब मैं स्टेज 1 चेक करूँगी, इसका ये मतलब है मैं सारे डिस्टेंस को ऑब्टेन करती हूँ, जैसे कि 2 से 3 जाने के लिए मैं वाया क्या लूँगी, 1, 4 से 3 जाने के लिए मैं वाया किसको चेक करूँगी, 1, यानी कि स्टेज जो है वो इंटरमीडिएट पाथ या इंटरमीडिएट नोड के जैसे एक्ट करता है, फ्रॉम अ गिवन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। ठीक है, सिमिलर वे सपोज़ अगर मैं स्टेज टू में हूँ, तो स्टेज टू में, यानी देखो स्टेज टू में 1 से मुझे 4 जाना है वाया किससे, 2, 1 से 3 जाना है वाया किससे, 2, 4 से 1 जाना है वाया किससे, 2, 4 से 3 जाना है वाया किससे रहेगा आपका, 2, यानी मैं 2 को इंटरमीडिएट एक इनके बीच में रख के देखूँगी क्या ऐसी कोई पाथ है, और अगर वो पाथ है तो उसका कॉस्ट कितना है। अगर वो कॉस्ट मिनिमम है, जैसे अगर 4 से 3 निकाल रही हूँ, ठीक है, 4 से 3 वाया किससे, 2, तो सपोज़ 4 से 3 कॉस्ट कितनी है, 5, और इससे कॉस्ट है 2 और 2, तो ये वाया से कॉस्ट कितनी है, 4, तो दोनों में मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 4, तो इसको फिर मुझे क्या करना है, सेव करना। तो स्टेज जो है मेरा इंटरमीडिएट जो है नोड भी बताता है, 2 नोड्स के बीच में वो पाथ को भी कंसिडर करना है। अगर है तो ठीक है, उसको देख लो, अगर स्मॉल है तो उसको नोट कर लो, अगर ग्रेटर है तो उसको स्किप कर दो, और अगर नहीं है तो स्किप इट। ओके, सो ये जो के है ये नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई और जे जो है मेरा सिंपल ग्राफ में, जैसे आई जो है मेरा रो के लिए डिनोट करती हूँ, जे जो है मेरा कॉलम के लिए डिनोट करते हैं। लूप चलाना है और हर लूप में मुझे चेक करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे मैंने डायनामिक बताया था, डायनामिक मेथड क्या बोलता है, मैं प्रीवियस रिजल्ट को सेव करती हूँ और उस रिजल्ट की मदद से नया रिजल्ट को क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ। ओके, सो हर बार जैसे इनिशियली मेरे पास D0 था, फिर D1 मिलेगा, फिर D2 मिलेगा, फिर D3 मिलेगा, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्टिसेस मुझे अपने यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक्स मिलते रहेगा। सो ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है, इनिशियली D0 हम जब ऑप्टेन करते हैं तो D0 के बाद नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, D1। ठीक है, तो यहाँ K देखो 1 है, तो यहाँ पे इनिशियल नेक्स्ट जो मुझे डिस्टेंस मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, D1 मिलेगा। ठीक है, तो D1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका वैल्यू मुझे कौन से वाले हिस्से मिलेगा, D0 से। ठीक है, और उसमें मुझे ये चेक करना है, जैसे देखो सपोज़ यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू है 4 और जे की वैल्यू है 3। ठीक है, एंड सपोज़ के की वैल्यू है 2, तो मैं 4 से 3 का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो जैसे देखो यहाँ पे 4 से 3 का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे के देखो कितना है, आई के यानी कि 4 से 2 डिस्टेंस कितना है, 2, एंड यहाँ पे के जे, के देखो 2 है और यहाँ पे जे कितना है, 3, 2 और 3, तो 2 से 3 मेरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 2, इनको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 और 4 में स्मॉलर कितना है, 4, तो नया जो मुझे मिलेगा वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 4 से 3 तक का डिस्टेंस इनिशियली 5 था, लेकिन अब नया डिस्टेंस कितना मिल गया मेरा, 4। तो हर स्टेप में ये चेक करना है
कि पुराना जो नोड के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, और वाया के, मैंने बताया था के जो है स्टेज भी बताता है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट बिटवीन 4 और 3 को भी डिनोट करता है। तो इन इनका कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम होगा उसको हम क्या करेंगे, नए वाले मैट्रिक्स में सेव कर देंगे। तो इनिशियली D43 कितना था, 5 था, अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद D43 की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वो जो नया डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या करेंगे, D1 डिनोट करेंगे। तो D0, D1, D2, D3, D3 मेरा सोल्यूशन है अगर मैं 3 नोड का लेके करूँगी, अगर 4 नोड का लेके करूँगी तो D4 मेरा सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो इसी एल्गोरिथम को फॉलो करके अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।